दोस्तों आजकल बार बार सुनने को मिल रहा है हमें सुपर ऐप्स के बारे में। सुपर ऐप्स का जिक्र बार बार बहुत जगह पे किया जा रहा है, तो चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे सुपर ऐप्स होते क्या हैं। दोस्तों सुपर ऐप्स हम ऐसे ऐप्स को कह सकते हैं जहां पर आपको एक ही ऐप के अंदर कई सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक के अंदर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ऐप आते हैं कई सारे, बैंकिंग ऐप आते हैं तो बैंकिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट की, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो ऐसे अलग अलग पर्पज के लिए अगर कोई ऐप बनाया गया तो उसे हम एक नॉर्मल ऐप कहते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी ऐप के अंदर बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है, जैसे हम बात कर लेते हैं पेटीएम एग्जाम्पल के लिए। अब पेटीएम को आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? पेटीएम में बैंकिंग भी आपको मिलता है, फूड डिलीवरी मिलता है, रेंटल वगैरह पेमेंट करना है, टिकट बुकिंग करना है, रिचार्ज करना है, बिल पेमेंट करना है, मतलब कई सारी सर्विसेज मिलते हैं। पेटीएम के अंदर चैटिंग कर सकते हो, आप न्यूज देख सकते हो, उसके अलावा डिजी लॉकर का यूज कर सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज आपको पेटीएम के अंदर मिलती है। तो आप इसे क्या कहेंगे? तो ऐसे ऐप जहां पर आपको कई सारी सर्विसेज देखने को मिलती है, ऐसे ऐप्स को आप सुपर ऐप्स कह सकते हो। इंडिया के अंदर पेटीएम एक बहुत बड़ा सुपर ऐप्स है। उसके अलावा अगर आप चाइना को देखते हो, तो चाइना के अंदर वीचैट सुपर ऐप्स बहुत बड़ा सुपर ऐप्स है, जहां टैक्सी वगैरह बुकिंग वगैरह करना हो, पैसे ट्रांसफर करना हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जापान के अंदर अगर आप जाते हो तो लाइन वहां पे बहुत बड़ा एक सुपर ऐप है। तो इसी तरह सुपर ऐप्स ऐसे ऐप्स को कह सकते हैं जहां पर बहुत सारी सर्विसेज आपको इकट्ठा देखने को मिलती है। अब सुपर ऐप्स इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है? तो सुपर ऐप्स चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां पे फेसबुक और रिलायंस जियो का डील हुआ, तो यहां पे बात चल रहा था एक सुपर ऐप्स लाने का। उसके अलावा टाटा और वॉलमार्ट का भी यहां पे डील हुआ है, तो वहां पे बात चल रहा है कि टाटा एक सुपर ऐप्स लेकर आ सकते हैं जहां पर आपको कई सारी सर्विसेज एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो सुपर ऐप्स का कॉन्सेप्ट ऐसे ही डेवलप होते जा रहा है और धीरे धीरे लोग भी सुपर ऐप्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कई सारे एप्लीकेशन को रखने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पे कई सारी सर्विसेज उनको मिल जाती है। अभी आप करंटली अगर देखेंगे तो पेटीएम के अलावा भी कई सारे सुपर ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया के अंदर। जैसे कि अगर आप फोन पे को यूज करते हैं, अमेजन को यूज करते, तो पहले यहाँ पेमेंट्स वगैरह कर सकते थे, शॉपिंग कर सकते थे, लेकिन फोन पे के अंदर अभी आप देखेंगे तो कई सारी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप अमेजन को देखते हो तो पे से भेजना है, शॉपिंग करना है, कई सारी सर्विसेज यहाँ भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे माईजी एप्लीकेशन को जो यूज करते हैं, पहले आप यहाँ पे अपना अकाउंट मैनेज कर सकते थे, रिचार्ज वगैरह अपना कर सकते थे, लेकिन अभी आप माईजी एप्लीकेशन को देखेंगे तो यहाँ पे जियो मार्ट आ गया है, उसके अलावा जियो सिनेमा उसी के अंदर इनहित कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको फाइनेंस का सेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे यूपीआई आप सेटअप कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें आप माईजी एप्लीकेशन के अंदर अभी भी कर सकते हो। तो ऐसे सर्विसेज धीरे धीरे बहुत सारे ऐप्स के अंदर ऐड किए जा रहे हैं और इन्हें कोशिश किया जा रहा है कि एक सुपर ऐप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से सुपर ऐप्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है और बहुत जगह पे इसकी चर्चा हो रही है। तो होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि सुपर ऐप्स हम किसे कह सकते हैं। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को तो अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।